राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी सब सेवा में मस्त हो रहे थे। भंडारे में कितनी संग लगी हुई सेवा में, यहां भी अपनी ड्यूटी पर कितने लगे हैं, ऐसे ऐसे मानस सब अपने घरों में एक दिन भी इस तरह नहीं रह सकते जागते। और यहां राधा स्वामी दयाल का दरबार है, वो अपने मालिक की ड्यूटी में लगे हुए हैं। अगर मैं मेरे को तुम महात्मा समझते हो या संत समझते हो, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूं आप जैसा भाई हो, पर तुम्हारा विश्वास है मेरे ऊपर तो मालिक का आगे मैं बंदगी करता हूं, इनको सबको शांति दे मालिक। इनको मालिक जो सेवा करते इनको सबको शांति दे, और कोई सूली की सजा हो तो इनकी सूल में ठाल दे, उनका सब का भला करे। सेवा करने वाला सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती, चाहे किसी चीज की सेवा कर लो वह अड़ी नहीं जाती, सेवा सेवा ही होती है। और सेवा के कारण सब बनता है, सुने नहीं शब्द गा रहे थे, ये भानीनाथ का सब था, भानीनाथ और गुलाब नाथ तो ताता भतीजा थे, और ये गृहस्थी साधु थे, बहुत ऊंची कोटि के शब्द है इनके, और बहुत अच्छे महात्मा हुए, इतनी अच्छी बातें कही। पिछली कड़ी में क्या क्या हुक्म तो पद गा दे, सिर झुका दे, सारा सब कुछ कह करके ने अरसड़ा कर दिया कि सतगुरु का हुक्म हो तो मैं पद भी गा दू, और उनकी दया हो तो सिर झुका दू, सबके बन जाता। छोटी उम्र थी, दोहा याद था, क्या करते थे, कोड़ा हुई कोड़ जा, मुदा पड़ी बेकार, जिसकी वृत्ति लागी रहे उसका वारण को पार। जिसकी वृत्ति सतगुरु के स्वरूप में लग जाती उसका कोई वार पार नहीं है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्मा ने सब ने बंदगी करना बताया, क्यों बताया था कि इसमें अहंकार टूट जाता है। घमंड टूट जाए, जब घमंड टूट जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। ये घमंड ही सब कहने का दुश्मन, ये ही खोता सारी दुनिया, ये घमंड टूटा तो सब काम ठीक बने। और ये कब टूटता है, जब हम सतगुरु की चरणों में सर झुका देते हैं। सतगुरु करता क्या है, एक मिसाल मेरे याद आएगी, सतगुरु सब कुछ करता है। हमारे पुराना पहली ऐसी ऐसी मिसालें गृहस्थी लोग बहुत दिया करते थे बुजुर्ग, आजकल बूढ़े मानसों की मिसाल कहानी खत्म होगी। मैंने बड़ी ऐसी ऐसी कहानी सुना करता था मेरी दादी था, आज कोई भी ऐसी बातें नहीं कर देते, क्यों, आज दूसरा है व्यवहार हो गया, जहां सवेरे संध्या करा करते थे उस वक्त तो इकबाल पढ़ने शुरू कर दिए, या जब हम बुढ़िया हरजत शब्द गाया करते थे राम के नहीं, उस वक्त हम टेलीविजन लगा लेते हैं, रेडियो चालू कर लेते हैं,
अब उनमें देखो क्या उसमें लगे रहते हैं, वही विचार बन जाते हैं। सवेरे उठा करते थे, काफी लोग ऐसे थे गीता का पाठ किया करते, तो रामायण की चौपाई पढ़ा करते थे। अब उन लोगों ने उन चीजों को भूल गए तो क्या कर लिया, वही बताता हूँ, टेलीविजन खोल लिया, देखा खबर लिया कर नाचना गाना आ गया, या कोई कोई इकबाल वो मर गया उठा वो मर गया, ये बातें आम की रहती है। इन सब चीजों को छोड़ करके न और मालिक की बंदगी कराया करते थे। अब ये कह रहा कि सतगुरु की रजा का, सतगुरु की दया का, सतगुरु की मेहरबानी का क्या ठिकाना से वो कागा का हंस बना देते हैं। अब लोगों ने देखा होगा ना, कागा का हंस बन जाते हैं। जिन कागा तुम देखते हुए तो नहीं, फिर वो भी परमात्मा की भक्ति करते करते रंग बदल जाते। अब देखा नहीं काग, भुसंडी जी तो काग ही था। गरुड़ जी महाराज का संख्या होगी और संख्या में बड़ा भारी दुखी हो गया, काग भुसंडी जी के पास में गया, उसकी सारी संख्या दूर कर दी। इसी बात तो नहीं, काग भुसंडी जी कि कहते हैं कि 16 कोष में कितने माया नहीं आया करती, इस पर क्या जादू था, ये जादू था कि इस पर नाम था, नाम की कमाई थी। किसने करे वे, मैं तो सुनी मिसाल देता हूं, मैंने सुना से कि जब काग सिंधी जी बैठे हुए थे, वे उनके गुरु महाराज आ गए, उन आंख मीच ली, क्यों मिची आंख के गुरु महाराज आए, मैं उठूंगा तो मन लोग न्यू कहियो भगत रहे, उन्हें देख के खड़ा हो लिया, मेरा निरादर होगा। आंख मिचली शिवजी का मंदिर बताओ से, जो नहीं उठा गुरु का आदर करने के लिए, तो आवाज आई शिवजी भजन, ओ नालाक तो इजगर बन जा, सांप बन जा, तो गुरु का निरादर करता है। गुरु महाराज कितनी दया करते, महाराज ये अज्ञान था, ऐसा ना करो, मैं गर्म नहीं देख के सुनी बात, महात्मा है कि बताओ। गुरु ने दया करके न कहा इस तरह ना करो, फिर भी क्या बात हुई, उसका ख्याल था कि मैं काग बना दो बना करो, मैं राम के दर्शन करना चाहूं, और वो काग भुसंडी बने। वो गुरु ने यजगर जोड़ी छुटवा दी। गुरु महाराज दया करते हैं तो कागा का हंस बना देते हैं। बड़े बड़े पापी इनकी शरण मां की तर गए। कल भी मैं बताया होगा कि जैसे वाल्मीकि जी सब नहीं वाल्मीकि खोटे कर्म करे था, लूट लूट धन लेते, सब त्रिषि बन खंड में मिल गए, वह सत मार्ग दर्शाते, सत्संग में आके पापी पार हो जाते, बड़े बड़े पापी पार हो जाते सत्संग। जैसे सज्जन कसाई जैसे को भी सत्संग लग गया, वह कागा का हंस बन गया। आज उनके फोटो मंदिरों में घरों में लगाते हैं, वो कागो तो हंस बने तभी तो लगाते हैं। अजामेल कितना भारी जुल्मी था, जिसको बिल्लू मंगल कहते हैं, और सूरदास कितना भारी घटिया विचार थे, वरना कितने कितने काम करे, कागा तो हंस बन गए। सत्संगियों में दूसरों की क्यों कहूं, तुम अपनी निगाह पसारी देखो, पाड़ बढ़ती नहीं दिखती है, पाया में बढ़ती नहीं दिखती। मैं मेरी बातें नहीं कहता आप लोगों को कि दूसरों के टीण तो चार ने धड़ी बिके, मेरे दो अन्य धड़ी टीण लिए थे।
मेरे को तो धोरे को लकड़ती हुई भी बदबू आया करती थी। मैं सच्ची बात कहता हूं, बनावटी नहीं कहूंगा कदे भी। मैं एक छोड़े एक जगह पर गया, मैं वहां बैठा था। नाम लेने में क्या नुकसान, भिवानी में परलियोड़ जो एक माता की धोख मारे उठे से घर था, खाती और नाम भूल गया उस खाती का। उसका नानका भेरे का था, मेरा नानका भेरे का। मैं उसके घर पर चला गया, वहां महाराज साधु मंगलानंद जी आए हुए थे। मेरा और मंगलानंद महात्मा का बड़ा प्यार था। जब मैं वहां पर गया, मेरे बहुत मैले मैले लत्ते बदबू आ रही थी। मैं महात्मा जी को सर झुकाया, बैठ गया। मेरे कपड़े पर माखी लगी हुई थी। वह हमारी बहन माम को और आई कण्ड भाई वहां बैठ गया। वो महाराज मंगलानंद करने लगा, क्यों क्या बात है? बोला महाराज माखी लगी कपड़े में, बदबू आती है, आप कभी माखी लगती? बोला कोई बात नहीं, मां को और इसका प्यार देख कितना से। इतनी छोटी उम्र का लड़का फिर भी इतना प्यार। मन इसके लत्तों में तो बदबू नहीं आती। बोली नहीं, मैं पर बैठ गया। उनकी बातें सुनता रहा, घर चला गया। यही हालत एक दिन और भी एक मंदिर में बैठा था। वहां भी हमारे घरों में कोई मान प्रेमी था, वो कहने लग्या, तेरे लगते देख बदबू आती है, तो किस कर्म का है, खड़ा हो जाए यहां से। मेरे को किसी ने भी शांति नहीं दी। मैं खड़ा हो गया। एक महात्मा उठा, वो कहने लगा बैठ जा, और हमारे गांव के तो मेरी बदनामी करने बुरी कहने वाले तो ने कर लगा, क्यों क्या बदबू आती है, तेरी बहन परणावनी से इसको टूट के चला जाए, यहां रहेगा इस मंदिर का बैठेगा संगत के बीच में। और कहा मेरी बात करोड़ा मत करो, कोई भी सत्संगियों सतगुर की दया पार होती। ये बातें सुनता हूं कि सतगुरु का गाता हंस बना दी। अरे हंस नहीं, वो तेरा के बना दी? हर तो फिर भी पखेरु होता, नाम बड़ा होता है। उनका पता नहीं वह पार्श बना दी, उनका पता नहीं वह हंस के बना दी, ऐसी चीज बना दी। हंस रहा सब के उनमें समा जा, बल्कि सतगुरु तो परमात्मा बना देता है। और के कहोगे, हंस तो एक जानवर होता है, उसको परमात्मा बना देता सतगुरु, और वो हजारों हंसों को पैदा कर सकता है। सुने ने कर्म कया होगा, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। कि सतगुरु राजी होता तो दूसरा क्या कर सकता है। मैं एक महात्मा का सत्संग में जाया करता था। वो महात्मा सत्संग करती क्या करता, ये पूछ गया सतलोक में, ये पूछ गया कि आगे गया हंसों की डोरी खींचा करेगा। और थोड़े दिन में जो बात करते, मैं वो कहा क्या हुआ, बोले गिर गया, गिर गया। मैं सोचा काल तो चढ़ गया, आज गिर गया, ये बड़ा तमाशा। पर मैं भी कहता हूं कि पता नहीं वो ठीक कहा करता, सतगुरु की चढ़िया नजर और होया भजन। और सतगुरु की नजरों से गिरिया 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 और गिर जाता है।
ये सच्ची बात है झूठी बात नहीं है ने। वह के संत महात्मा कागा का हंस बना देते हैं, उसके कर्मों को भी काट देते हैं। एक शब्द कागज दे सत्य कर्म काट कोले किए सतगुरु बने लोहार। के सतगुरु कर्मों को काट करके कोले बना देते, वह लोहार सतगुरु इतना लोहार कोले बना देता है। पर सतगुरु होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। सतगुरु की महिमा इतनी कितनी बड़ी बात कही से कि वो कुरडी में छुटवा करके ने और तड़ाव दरिया के किनारे ले जा मोती चुगवा दे। अब वो कुरडी क्या, हम विषय विकार में लगे हुए जीव सा खोटे धंधे रात दिन करते रहते हैं, और सन सतगुरु दया करके उस कुरडी पर जो भिष्टे में चाट मारा करता था वह भेड़े कर्म से वो छुटवा करके न और वो कित ले जाता दरिया किनारा जहां मोती न पसते हैं। दरिया का किनारा कौन सा है कहने वाले का पता न है नहीं, मैं तो अपनी बता। दरिया का किनारा तुम्हारा दिल है, और दिल में जो ऐप भरे जो लकड़ जाते हैं वो पवित्र दरिया उमंड उठता है, और वहां नाम रूपी मोती चुगा देता है सतगुरु। जब नाम रूपी मोती चुगते सबको बढ़ जाता, महात्मा सुनी के ऐसे भी कहा करते थे कि हृदय जमी का साफ करो प्रेम के जल से शीश जुगत से रखना, सतगुरु बो गए बीज जुगत से रखना। जब वो बेल चढ़ी ऊपर को फिर नहीं लागेगा कीट जुगत से रखना, सतगुरु बोगे बीज जुगत से रखना। के जब वह बेल ऊपर को चढ़ती है सूर्य नौ द्वारों को खाली करके दसवीं गली में जाती है फिर कीट नहीं लगता, और वह अपने मैले कर्तव्यों को छोड़ करके आगे हंस गति में आ जा सकती। अब किसी बातें बताऊ मैं आप लोगों को, जिसको ऐसी ऐसी हालते बताई आप लोग सारी रात बंद बैठे तो उस गरीब की खाते के वो आएगा कुछ सुनाएगा। अब तो समझे होगे सतगुरु कागा का हंस बना देता मन नजरों तक। मेरे पास में कई ऐसे मानस आए रहे सत्संगी नु कहा करते थे यो तो तेरे क्या बस, और इस बिना महाराज जी भी नहीं रह सकते पांच मिनट। सवेरे में नाम तो नहीं लेता न, क्यों जो गुरु द्रोही बढ़ जाते हैं उनका नाम लेने में रिज्जत और रोजगार घट जाता है। मेरे स्वामी नजर आ गया अमरचंद बैठा से एक प्रेमी मेरे पर रहा करता था, उसकी बातें सुनी तो इसके दिल में एक अंगारा सा उठा। ये कहने लगा ये बहुत घटिया मानस है, मन कहा से मत कहो। मेरे गुरु महाराज कहने लगा क्या सर पर चढ़ा रहे ये बहुत घटिया से, मैं बोला तन तो सभी घटिया दिखते हैं, मन जब आगे आता तो गिर जाते हैं। इन महात्मा की बातें सच्ची लकड़ती। कबीर साहब ने लोगों के लिए ऐसी ऐसी निशानियां बताई से कि जिसमें ये निशानी है वो काबिल नहीं सत्संग का, ये निशानी है ये निशानी है। काफी मैं बता देता और मैं जानता हूं निशानियों ने, फिर भी जब हमारे पास आता है कोई उसको नाम दे करके हम कहते हैं कभी सुधर जाएगा। और ऐसे मन जब पास रहते हैं उन कमियों को देखता हूं तो फिर भी मैं घबरा जाता हूं कि कोई बात नहीं सुधर जाए, कदे न कदे तो सुधरेगा। पर फिर दीपता ढंग बिगड़ा वो कागा का हंस के हंसों तक फिर काग बन जाते, और कई कई भागी कागो तो हंस बनकिन और भी आगे चले जाते। ये सतगुरु की दया, सतगुरु राजी होता चाहे सो कर देता। इले आगे ने काग आगली कड़ी के कही थी मन पता नहीं। जब सतगुरु की संध्या माया सब में काग पर किया पाया।
चढ़ा दे आए। ये बातें मैं कह भी गार बता, सतगुर की इधर फिर जा माया, सतगुर कर दे छत्तर छाया। मेरे गुरु महाराज जिसका मैं नाम नहीं लिया, गुरु द्रोही का नाम लेने कहते कि सब कह का नाश हो जाता है। मर्द गुरु छत्तर छाया करते हैं न तो उसकी काया पलट जाते, वो शिखर चढ़ा देते। शकर किस तरह चढ़ा देते। हमारा एक प्रेमी भाई था, गुजर गया, वो क्या करता, अरे वो महाराज सन जो जिसका नाम लेते वो ऊंचा चढ़ जाता है। क्या भाई रतिराम घना बड़ा मानस है के, पर उसकी बार बार नाम लेगा मेरा भाई रतिराम, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। संतों का पता नहीं के कर की के कर दी, यही बात तो शकर कर चढ़ा देते छत्तर छाया करके। और वो छत्तर छाया की बातें भी आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी छत्तर छाया करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो जाए, उनकी दया मेर करके इतना बड़ा कर देते हैं कि बड़ा भारी। मैं महाराज फकीर चंद के पास में गया, उन्हें मेरे कान देखा, देखने लगे संत तारा चंद महाजी कि क्यों घबरा, तो भी नहीं आएगा फिर इस संसार में, मैं भी नहीं आऊंगा, मैं गोड ब्राह्मण हूँ, राधा स्वामी धाम से आया हूँ, आपको सच्ची बातें बताता हूँ। पर मेरी एक बात मानना, मैं बताओ जी कि मोंडा देना मुंडी न देना किसी को, समझोगे भावर्थ के किसी को घटिया न बोलना, अच्छा बोलना, घटिया न बोलना। क्यों साधु बोले सहज सुबह, और साधु का कया मिथ्या नहीं जा, अगर वो सहज सुबह भी बोल देता तब भी वो मिथ्या नहीं जाता। संतन की वाणी और झूठी हो तो भी साचे करके जानी, उस झूठी को भी साची मान लेना चाहिए। वह सूढ़ी की सूढ़ कर देते हैं और वह कागो हंस बना देते, बिल्कुल भी वह शिखर चढ़ा देते हैं, उनकी दया मेर का कोई वारो पार नहीं। क्या कहा जा सके, इतनी दया होती है सतगुर की कि उसका कोई ठिकाना नहीं। किसके प्रमाण दूं, किस किस की बातें सुनाऊं, ऐसे ऐसे पापी उनकी शरण में आ जाते हैं, लोग उनकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं कि महाराज के पास रहता है। एक को लड़का हमारे पास रहा करता था और वो चला हमारे आश्रम में, ऐसा एक बीमारी फैल गई थी कि बड़ी भारी, क्यों रेडिशन बताता हूँ, घूमती रे चोर आ जाए तो सारे चोर की रेडिशन घूम जाती है, और कोई महात्मा आ जाए तो उसके परवाणु सारे मकान में घूम जाते हैं। आपको किस तरह बताओ, हमको हवाला दे की बताओ, मैं तो तुलसीदास का हवाला दे, तुलसीदास जी के संत तरण गंगा की धारा और जहाँ टके वहाँ हो निस्तारा, संत तरण अड़सठ से उत्तम भूमि पवित्र झांपक धरते। वह भूमि पवित्र किस तरह होती है, वो महात्मा को गुरुमुख आ जाता, उसके सारे मकान में परमाणु फैल जाते हैं, गंदे परमाणु लकड़ जाते, अच्छे पवित्र परमाणु फैल जाते, सबके विचार पवित्र हो जाते हैं। कल मेरे पास में आश्रम में एक प्रेमी आया था, पूर्ण राजपाल, कहने लग्या आपने आश्रम में हीरानंद आर्य गया था, मैं क्यों, क्यों को काम था, न बोले हम फलानी जगह ये करना वह करना, महाराज मदद कर दे कुछ, वह बड़ी इस शराब के बारे में बहुत कहते हैं, उनका शराब तो छुटाते नहीं, आप लोग तो प्रचार करते उल्टी का, शराब छुटाओ पहली आप पवित्र बन जाओ, फिर आप ही आप छुटती चली जाए, कहने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें कहा कि यहाँ शांति सी मिलती है, यहाँ करके का बगीचे में घूमे वो देखा शांति मिलती है, वो शांति है कहाँ,
जो मेरे पास वह बुजुर्ग रहते हैं वो भजन करते हैं, उन बुजुर्गों की शांति सेवा। जिस घर में एक बुजुर्ग है और वो भजन सुमरण है उस घर में शांति आ जाती है। वहां तो कई बुजुर्ग रहते हैं और भजन करते हैं, भजन करने शांति आ जाती है, मेरे में शांति नहीं है। इसीलिए मैं आपको कई कितनी मिसाल दे के बताऊं, कागा का हंस बनना है। मैं तो मेरी ही मिसाल दी थी आप लोगों ने, मैं तो अपने विचार बताए थे आप लोगों ने कि मैं तो एक अरण्य का दरख्त था, काग था, और सतगुरु अरमान साहब मेरे दाता ने दया करी, आप लोगों के घर बैठने जोगा हो गया। आप लोग भी मेरे पास आ जाते हो दया मेर करके ने, आप आके बैठते तो मन में भी अपना कर्म पूरा करना पड़ता है। पर मैं ये बता देता हूं, वे मेरी प्रारब्ध है सत्संगियों, सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। सभी चीज मिल जाती संसार में, स्वामी जी की वाणी नहीं सुनी, सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन ये के सुंदर मचा 14 रतन लकड़े, उन रतनों तो उद्धार नहीं हो सकता किसी तभी मर तो। ये जो 14-15 रतन है ये किसी भागी को मिलता है, और जिसको ये रतन मिल जाए उसका जीवन सफल हो। 101 पीढ़ी चल जाती है, 101 पीढ़ी, कबीर साहब कहते 101 पीढ़ी त्यारे मरी हेली, जय कोई त्यारण हो, कोई त्यारने वाला हो तो 101 पीढ़ी चल जाती है, कबीर साहब की वाणी से। अब बताइए, यही तो बताया था कागा का हंस बना देते, और किसी की मिसाल किसकी जोड़ के बताऊंगे। और भी कई ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, और संत महात्मा शिक्षा देकर के इतनी दया मेहर करते हैं, उनके ऐब छुटवा देते हैं। पर मैं ये भी बता देता हूं कि एक छोड़ दो को झावर ऐसा डूब था इन पावर, जिसका ले ले सरना उसी से पार उतरना। किस सतगुरु की बातें से, सत अपने सतगुरु की स्टेज के ऊपर कोटी कंगला अंगहीन भिखारी बिठाया जाता है तो जानो एक साल हम पीछे चले जाते, अपने गुरु का निरादर करते हैं, उसके धोरे बैठ के अपना आपा हम खो लेते हैं। हंस तो उल्टे काग बन जाते हैं, और जब हम अपने सतगुरु के स्वरूप को दोनों भावों के बीच प्रकट कर लेते हैं तो हम अपना जीवन सारा ही सफल कर लेते हैं। इसलिए संतों बता, बल्कि उरे लग भी कहा जाता, मेरे बस की बात नहीं, एक दिन कोई बात चली हुई थी, प्रेमी ने कहा भाई तू मान तो बहुत अच्छा से मैं तेरे पास में आ गया, किसकी? चौधरी इंदिराज की बात है, बादल याड़े की, और उसका एक चेले का चेला था, उसके पास आया था, वो सुंदारी बड़ी है, यहां जयकर्ण वर्ग बैठे भजन की सुनी बातें कहता हूं मैं, मारा वो प्रेमी है बड़ा अच्छा। तो उन्हें क्या कहा, बैठा कि निकलने लगा चौधरी, अरे तेरे में एक ही गुण से इसलिए आ जाता ना, तेरे दर्शनों तो काल सर पर आ बैठता है, अंगहीन के तो दर्शन करने ही में पाप चढ़ जाता, तू तो अंगहीन से तेरे दर्शन कर लिए इसे एक बड़द खस्सी के दर्शन कर लिए। चौधरी इंदिराज बादली वाला बड़ा बेधड़क साधु था, संत था, और वो दोनों तरह के साधन जानता था, बाहर का भी भीतर का भी, और कोई नहीं जान, सब बाहर के फंसे बैठे थे। इसलिए उसको ये बता, तू उस कमा की खातर तो तेरा दर्शन छोटा है, आजा नहीं है, क्यों है कि तू अंगहीन से। इसलिए दाता दया करे और सतगुरु की शरण में रखे। काफी लोग के सतगुरु टोला, सतगुरु टोला सतुर शरीर को टोला छोड़ता है, सूक्ष्म रूप तो हमारे साथ रहता है, कभी शब्द दूर नहीं जाता हमारे पास रह। कई लोग कहते परमात्मा पे थोत का नाम है, वे बेचारे भोले, उनको इतना ही पता थोत का नाम परमात्मा नहीं है, निग्रपणे का नाम परमात्मा से।
परमात्मा खोज है तो किस तरह पार पड़ेगी तुम्हारी, गिर जाओगे। परमात्मा तो निग्रह है, वो किसे तो कटता नहीं, दीखता और फिर भी नहीं दीखता, समझ गए, उसको पकड़ लेते फिर भी पकड़ने में नहीं आता नहीं। वो सब कुछ करता और फिर भी सब कुछ करता नहीं दीखता। कबीर साहब की वाणी नहीं सुनी, कबीर साहब अपनी वाणी कहते हैं, मैं कल वो शब्द गाया था, शब्द था देखिए मैं भूल गया, संतों महात्मा की वाणी ऐसी होती है उनको क्या कहा जाए। कबीर साहब ने तो बड़ी, लेकिन हिंदू तो वेदम ढूंढे मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए हाथ ना आने जना, खसखस माना मेर समाना, क्या कहता कबीर साहब, छोटा भी कितना और बड़ा भी कितना, खसखस माना मेर समाना, मेर को पर्वत को कंधे होंगे, मन तो पता नहीं अपना आइडिया लगाया सा, पढ़े लिखे हो जानते होंगे, खसखस माना मेर समाना, राई में खलक जहान, राई में खलक जहान सारा समा गया, 14 तबका गर्भ निवारा पे रहा ठान की ठान, वही बात आ जाती है। सारी दुनिया का भला भी करता बुरा भी कर्मानुसार और रहा ठाम के ठाम, किसे न किसी तरह दर्शन देता, किसे न किसी तरह और ठाम के ठाम रहता है। सुना हमने गुरु अपने का ज्ञान, और कितनी बातें तार सुमरे भय कारण व्यापक, क्या सुमरण करना उसका, सुमरण तो उसका ख्याल ही से, उस शब्द का सुमरण कौन कर सकता, सुमरण तो ख्याल से पकड़ा जाता है, सुमरण नहीं उनका नहीं, सुमरण तो ये इससे हम उसका ख्याल बनाए रखा, इसको सुमरण कहते हैं कि दिशा उस शब्द की कैसी आवाज है, कैसा रंग रूप है, और इसको कहते ता सुमरे भय काल व्याप, ये पद है निर्वाण, कि उसको सुमरण भय काल नहीं व्यापता है, पद निर्वाण से, और इस तरह सब के में शांति मिल जाती है, ये ऊंचे ऊंचा पद है, ता सुमरे भय काल ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आवण जान, जिसने इस लैंड पर चल पड़ा उस शब्द की कमाई के आवण जान मिट जाते हैं, वह कभी भी फिर जलम मरण में नहीं आते हैं। इले संत महात्मा कागो तो हंस बना देते, पर बता ये बातें सुनी, कोई काग तो पुरानों ढूंढे, कोई वेदों में ढूंढे, उनके दोहे चौपा याद कर लड़ाई करना झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको ये कहे सतगुरु की शरण ले आगे चल, तो गुरु द्रोही से गुरुओं के तो परवाटे करते हैं, उनको ये पता नहीं सतगुरु किसको कहते हैं। मैं भी इन बातों से निराश हूं कि कई लोग तो गुरु डम में फंस करके मर जाते हैं, उन गुरु डम में किसको, जो उस गुरु को न करनी का बेरा, न कर्म का बेरा, न धर्म का बेरा, और हम फंस के अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मैं आप लोगों सीधी बातें, मैं बाघ पर गांव में जाया करता था, वह हमारे भुआ थी, उसकी माँ थी मेरी दादी, उसने वो भुआ कर्ण दागी माँ, बोले हाँ बेटी तू नाम ले ले, बोला क्या का, बोला महाराज जी आए तो गुरु मंत्र ले, बोला बेटी मन तो गुरु बना रखा से, सोचे इस तरह बन जाते, इसलिए वो बेचारे क्या जाने, बंद करके न दार पड़ के रह जाते, न उस गुरु ने बेरा न उस चेले ने बेरा। मैं अपनी सुनी अपनी देखी मिसाल बताता हूँ, वो कह रहा है कौन बनाया, बोली बेटी वो जुत्ती का ठा करे ना बाजार में, बोले हाँ तुम्हार वो बनाया क्यों करे, बोले वो शब्द बहुत गाया करे, सो मैं घर ही बना लिया, उसको 5.25 रुपये दे दिए, सारे कपड़े दे दिए और पैसे तून गाल दिया, उसके पाया में सिर टेक के बोली तू मेरा गुरु साथ थे, वो बोला अच्छा, बोले और बता के गया, बोले बेटी और बताओ के था मेरा गुरु ही बन गया जी ने, सोचो मैं ये धमेले बड़े देखे तेरे के उस पर बेचारी अपना सारा जीवन ही लगन में रही तो बर्बाद हो गया, किस तरह तेरे
इसको कहते आंधी दुनिया मोदु ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। ये घमसान यू घल जाता सारा जीवन बर्बाद। उनते कागा कांस नहीं बढ़ते, इन्हें कागा कांस बढ़ते हैं तो उन सतगुरु तो बनते हैं जो उनका टोला बदल देता है। आपने देखा नहीं सुने होगा महात्मा टोला बदलते हैं रात ने, के बदलते हैं, शेर बढ़ते हैं, गादड़ बढ़ते हैं, भैंस बढ़ जा तो दूध तो दे दे। इसीलिए वो कहते बदलते हैं। मैं भी कहता हूं कि संत टोला बदलते नहीं बदल देते हैं, टोला बदलते नहीं बदल देते हैं। मन वह टोला क्या बदले, घरों में तो ठीक थे, उनका धोर जानी सुनफा पीण लग गए, टोला बदल दिया नाश करण का। घरों में ठीक थे, उनका धोरे भी शराब पीण लग गए और घटिया घटिया काम सीख गए। उन टोला क्या उनको महात्मा कहते हो, साधु कहते हो, लाण कहते वह तो उल्टे नरक का रास्ता होता है। संत महात्मा तो ऐर छुटवाते हैं। कोई भी जाति कोई भी कौम का हो अगर तुम उसके पास जाते हो तारे ऐब छुटवा दे तो समझो हमारा टोला बदल दिया। कितने मान यहाँ बैठे हो, किसी शराब छुट गई, किसी सुल्फे गांजे छुट गए, किसी घटिया कर्म छुट गए, वो टोला बदलना इसका नाम। जैसे मेरा टोला मेरे सतगुरु ने बदला, मैं भी इसी बात बताता हूँ कि जिनके ऐब छुट जाते उनके टोले बदल जाते, ये है टोला बदलना। और वह गादड़ो तो शेर बन जाते हैं, क्यों बैठे कर्म तो छुट गए, अच्छे अच्छे कर्म सीख गए, वह किसकी परवाह करके चिर जाते। बड़ा आप लोगों को ऐसा बैठा, मैं तो आज लग नहीं सुनी ये बातें कि कोई मानस को शेर बनता देखा हो, कोई मानस अपने हाथ खिला लेता हो। लोग कहते मैं अपनी कहता हूं कि मैं अपने घर में रहा करता था, मेरे गांव में मेरे परिवार के मेरे कमरा नहीं खोलना करते थे। न्यूगंज का कमरा नहीं खोलना इतना प्रोपगंडा कराया गया था कि अमृतंजय से रतिराम बरगे पुराने जिद कह देता हूं कि आया करते कुआड़ नहीं खोलना। बोला क्यों? बोला महाराज तो हाथ हाथ कितने पड़े थे, पांव कितने पड़े थे, सिर कितने पड़ा था, और बोला टोला बदली पड़े कदे कुटिया खोल दो और नाश हो जाएगा, कुटिया न खोलना। सत्संगियों में तो ये टोला कदे नहीं बदला, सवेरे सवेरे बताता हूं। मैंने ये टोला जरूर बदला कि आज मैंने फलाणी आवाज सुनी संतर की, आज मैंने फलाना प्रकाश फलाणी चीज देखनी संतर की, ये चीज मैंने जरूर भी जिद्दी करके न दिखी तो उठा को नहीं। इस तरह मैं जरूर भी बैठा रहा करता था पांच पांच दस दस घंटे के, जब शरीर सुनना हो, जब ये बातें बने, इस तरह ये तो मेरा टोला बदलना था। मैं ये मैं सच का कदे भी नहीं बदला और केरा के कया करते थे। आप बताइए चाल पड़ी ना झूठ पाई, इसी तरह और महात्मा की चलती है टोला चाला बदलना, ये ही है और कुछ नहीं है। मैं जब शाम ने ये कहा था आप लोगों ने कि कलप्तरु दरखत किसी ने देखा, मैं सारी जिंदगी गुजर गई थारे गीत गांधी गांधी के कल्पतरु दरखत होता है, उसके नीचे बैठो मनशा पूरी हो जाती है। वो कल्पतरु दरखत तो निज सत्संग संतों का। और ये भी सुना काम धेनु गऊ होती है, काम धेनु गऊ भी मैं बताई थी सामने के ओम से, और वो तो असली बूझना चाहते वो तो सर जीवन मूल मंत्र किसको बताया सामने के अमर फल को एक धुनात्मक नाम ही से समझो जितो ना सुन थारी मर्जी। इसलिए सतगुरु कागा का हंस बना देते हैं और कागा का हंस बड़े तुम देखे होंगे कितने नाम मत लो किसे का भी, वो तिर जाते। सतगुरु शरण जाइए मारी है कोट कर्म कट गया के सतगुरु के शरण में जाने ते करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। पहली बुरा कमाए के और बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट, के कोटि जन्मों के पाप पल में कट जाते कब जब आए सतगुरु की ओट, उनके शरण में आम दे इसलिए कागू हंस बना देते। आगे क्या कहते हैं बहुत
और कितनी अच्छी बात, माँ ने पुत्र कितना प्यारा से, इतना सबत प्यार करोगे तुम हंस बन जाओगे। पुत्र प्यारा कितना माँ को, इस तरह है शब्द गुरा का प्यारा। जो गुरा का शब्द है वो तो एक बड़ा भारी तीर्थ, बड़ी भारी गंगा, बड़ा भारी के जादू है, बड़ा भारी एक पारस है। वो शब्द इतना प्यार कर लो जैसे कि माँ अपने पुत्र से प्यार करती है। और हम उस शब्द को ही सतगुरु कहते हैं। मैं कई बार कही नहीं, सतगुरु नाम किसका, ज्ञान का, समझ का, विवेक का। उसको नाम कहो या सतगुरु कहो, उसको शब्द कहो या सतगुरु कहो। जैसे माँ ने पुत्र प्यारा लगता, इतना प्यार उस शब्द से करना, फिर कसर कौन सी रह जाएगी, सारी कसरें मिट जाएंगी। आप लोग कहते हो मैं कर कई हो गया बातें को बार, फिर भी कहता हूँ सर आप कितनी बड़ाई, महाराज जी बड़े प्यारे लगते हैं, महाराज जी बड़े प्यारे लगते हैं। मैं कहता हूँ नाम मत पूछो किसी का सवेरे सवेरे, सतगुरु तो कुत्ते जितने प्यारे भी नहीं लगते ने। ऊपर तो कहते सतगुरु प्यारा लगता है, मगर भीतर तो इतना कुत्ता मर जाए तो रोली सतगुरु को कभी याद नहीं कर सकते। अगर तुम तैरना चाहते हो सतगुरु की कदर होती हुआ तो छोड़ो, अपने पुत्र जितना प्यार कर लो। यही तो भानीनाथ कहता, जैसे पुत्र प्यारा माँ को, ईसा शब्द गुरा का, के उस शब्द गुरा का क्या उस शब्द है, वो है तो सतगुरु शब्द गुरु से चेला संतों ने दिया हेला। शब्द गुरु है से चेला और संतों ने हेला दिया थे तो करो। इसलिए पुत्र प्यारा लगता, इतना प्यार अगर तुम उस नाम से कर लो, शब्द से कर लो, तो तैर जाओगे तुम, कागा का हंस बन जाओगे, कोई कसर हीरा जी ने ये बताया से। मगर कोई करता है प्यार अपने पुत्र जितना, काले बुढ़िया मैंने देखी, आंसू उसके न्यू जहां बरल बर रोवे, कहने क्या बात है मेरा पोता खो गया, वो तो बोल भी नहीं जानता ने, दस बारह बर कहो खो गया। उनका इतना प्यार अगर उस मालिक तो क्या करना था। सुने नहीं सो तुलसीदास की बातें कहते, तुलसी नीत के इतनी नीत हराम मर, इतनी हर में हो, चाला जा तुलसी बैकुंठ में तेरा पल्ला न पकड़े को। उसने तो उसकी घराड़ी ने अपने पति को कहा था, मैं तो अपने बुजुर्गों को अपनी माता बहनों कहता हूँ, जितना प्रेम तुम्हारा अपने पुत्रों तो से, इतना प्यार भी तुम शब्द तय कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। पर उस शब्द का रस तो पीछे मिलता है वो प्यार करने से। आरिन उदाजों का, परिवार का, धन का तो एक मन का खेल, मन का मोस है, उस फसकी हम लकड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर तो लकड़ जा तो सतगुरु का शब्द हमने आगे ले जाता है, फिर जाते हैं। कागा का हंस बनना इसको कहते हैं, कागा का हंस बन जा। जिस तरह माँ अपने पुत्र के प्यार के, इतना गुरुमुख ने किसते नाम से प्यार करना चाहिए, शब्द से प्यार करना चाहिए, वो है तो सतगुरु से। जिसका शब्द नहीं खुल रहा उसको सतगुरु नहीं कहा जाता ने, वो तो गुरु कह सकते हो, शिक्षा देने वाला कह सकते हो। सतगुरु तो शब्द खुल रहे तो माना जाता है। आगे के कहा समझे, सतगुरु पत्थर में हीरा दिखा दी समझ गए, और मट्टी तो लाल बड़करा के कर दी, और सतगुरु हुक्म दे तो चाहे सो करके दिखा दे। बातें बताई भानीनाथ की कि सतगुरु हुक्म दे चाहे सो, हुक्म की ढीड़ किसके नहीं करया। कितनी महिमा से सतगुरु की मैं क्या कहूं, सबकी तोंद खुल जाती है प्रेमियों। इसलिए मैं काफी बार आपको सत्संग सुनाया, अगर कोई तारा हो तो एक शब्द सुना दूंगा, बोला जाएगा तो देख लूंगा। भाई
गुठी बिना तो लंबरदार भी काम को करे और गुठी लाए कोई। बादल
घड़ी रे चमके बिन बादल सा बिजली रे चमके बिन सूरज उजियारा हो दे बिन सूरज उजियारा हो दे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन सूरज सब दे उतारा हो दे मेरे में हो सो ए दान भाई सादो ऐसा देश हमारा हो दे दो तले जाए दे रैम सा दर्श दो तले जाए दे रैम सा दर्श आगे अगम अपारा हो दे आगे अगम अपारा हो दे कह कबीर सुनो भाई साधो बुद कोए गुरमुख प्यारा हो दे मरे में हो तो ए दान भाई सा तो आसा देश हम